एनपीएल की अगर यहाँ पर बात करें तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स जो हैं वो कल निकल कर आई, और चलिए आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करते हैं, जर्सी अनाउंसमेंट से लेकर हो, उसके बाद कुछ प्लेयर्स से लेकर हो, टैलेंट एंड प्लेयर्स से लेकर हो, ओवरसीज प्लेयर्स से लेकर हो, कई सारे अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आई है। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक करके, सबसे पहले जर्सी से ही बात करते हैं कि कौन कौन सी टीमों ने अपनी जर्सी रिवील कर दी है और वो किस तरीके की दिखती है। जरूर, अगर बात करें चितवान राइनोस की, जी हाँ, चितवान राइनोस ने अपनी जर्सी जो है वो रिवील की एक प्रोग्राम में, और जर्सी कुछ इस तरीके से है जैसा आप देख पा रहे हैं, और ये इसी किट के साथ वो इस एनपीएल में खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, उसके बाद बात करें जनकपुर बोर्ड्स की, तो जनकपुर बोर्ड्स ने भी अपनी जर्सी जो है वो रिलीज कर दी है, कुछ इस तरह की है जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये जनकपुर बोर्ड्स जो है इसी को पहनकर उनके प्लेयर्स इस एनपीएल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बिल्कुल, और अब फिर तीसरे टीम की बात करें जिन्होंने जर्सी रिवील की है, वो है विराटनगर किंग्स। जी हाँ, जिनके संदीप लांगचा ने मार्की प्लेयर हैं और वही आए थे जर्सी को रिवील करने, और जर्सी जो है जैसा आप देख पा रहे हैं जर्सी ब्लू माफ कीजिएगा येलो कलर इसमें हमें साफ जो नजर आ रहा है, और इसी को पहनकर जो टीम है वो उतरेगी इस एनपीएल में और अपना इस टूर्नामेंट को जीतना चाहेगी। बिल्कुल, उसके बाद बात करें तो काठमांडू गोरखास की अगर बात करें तो उन्होंने एक ओवरसी प्लेयर और साइन इन किया है, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे। जरूर, वो है नेथन सॉटर, राइट आर्म लेग माफ कीजिएगा जी हाँ लेग ब्रेक बॉलर है, और वो इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है लेकिन इंग्लैंड की तरफ से ही उन्होंने सारा क्रिकेट अपना पूरा करियर खेला है, आई20 भी खेल चुके हैं और 100 में भी वो खेल चुके हैं, और 140 प्लस गेम्स का उनके पास एक्सपीरियंस है, और विकेट जो है वो 154 विकेट वो निकाल चुके हैं, और राइट आर्म लेग स्पिनर वो बॉलर। बिल्कुल, उसके बाद यहाँ अगर बात करें नेक्स्ट न्यूज की तरफ तो यहाँ पर जी हाँ आइकन प्लेयर जो है जो टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू जो आइकन प्लेयर सबको अनाउंस करने हैं उसमें से दो और टीमों ने अब अपने आइकन प्लेयर जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं। अगर हम देखें लुम्बिनी लायंस के लिए तो जी हाँ लुम्बिनी लायंस के जो आइकन प्लेयर अनाउंस किए गए हैं वो है आरिफ खान। जी हाँ, आरिफ खान जो है ये लुम्बिनी लायंस के लिए यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, और टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू इन्हें यहाँ पर लुम्बिनी लायंस ने कहीं ना कहीं हायर किया है। एंड एक और टीम है उन्होंने भी अपने आइकन प्लेयर अनाउंस कर दिए। बिल्कुल, और कर्नाली यॉर्क्स ने अपने आइकन प्लेयर का नाम अनाउंस किया है, और वो है लेफ्ट आर्म स्पिनर विपिन प्रसाद शर्मा। जी हाँ, और ये एज अ आइकन प्लेयर कर्नाली यॉर्क्स के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में रहेंगे स्क्वाड में, और मौका मिला तो प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग जो जितनी भी टीम्स हैं सब ने अपने जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दिए, प्रैक्टिस लगातार जारी है, ट्रेनिंग सेशन वगैरह चालू हो चुकी है, क्योंकि अब डेट्स भी बहुत करीब आ रहे हैं। 29 तारीख शुरू होने वाला है और 30 तारीख से शुरू होने वाला है, एक आध इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पर आ गए, स्टार्ट हो गए आने वाले, कोचेस वगैरह भी ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं, तो पूरा माहौल सेटअप यहाँ पर हो रहा है, और ग्रासरूट लेवल पर जो वो है आप कह सकते हैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो और जोर शोर से चल रहा है, जो प्रचार है जोर शोर से चल रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और जिसमें अभी तक लग रहा है कि सक्सेसफुल भी जो है एनपीएल है वो लगातार होने में कामयाब हो रहा है। इसमें जो 8 फ्रेंचाइजीज है उनकी तरफ से भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रासरूट लेवल पर इसे और ज्यादा हाइप देने का वो भी बहुत अच्छा उनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। तो यही कुछ अपडेट्स अभी तक निकल कर आई थी, और जैसी कोई अपडेट्स आती है सबसे इजिली वे में आपके सामने डेलीग्रेट जरूर प्रेजेंट करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सबसे फास्टेस्ट आपके सामने भेज दी है क्योंकि ये सब न्यूज आपको पता चल गई, लेकिन लगातार अपडेट्स आपके सामने हम रख रहे हैं, कोई भी अपडेट मिस आउट नहीं होगी, और हो भी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कोई कुछ और नई अपडेट आई हो तो वो भी सारे व्यूअर्स को पता चल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एशिया सब रीजनल क्वालिफायर बी चल रहा है, वो कल का पहले मैच, पहले डे में बहुत सारे मैचेस हुए, क्या हाल रहा जाकर कम्यूनिटी टैब में जरूर चेकआउट करिए, एक बहुत जबरदस्त सेंचुरी आई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली लूजिंग कॉज में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।